हेलो दोस्तों, छड़ी मोड़ में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2021 नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 8415 पदों के लिए 14 मार्च 2021 तथा 21 मार्च 2021 को बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्र पर CSBC द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। काफ़ी लड़के ये पूछ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब तक घोषित किया जा सकता है और कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़का यही पूछ रहे हैं कि सर पेपर भी आउट हुआ है और पेपर हार्ड भी था, तो बहुत लोगों के पास आंसर की नहीं पहुंच पाया है, तो कट ऑफ क्या होगा, पिछली बार की तरह ही कट ऑफ जाएगा कि इस बार कट ऑफ कम रहेगा, ये भी हम जानकारी रख लेंगे। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी लड़के ये पूछ रहे हैं कि नई भर्ती कब तक आएगा, तो नई भर्ती के बारे में भी मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दूंगा, इस साल भर्ती आएगा कि नहीं आएगा, और इस साल अगर भर्ती आता है तो किस महीने में आता है और कितने सीटों पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 8415 पद के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, यह 14 मार्च 2021 को और 21 मार्च 2021 को बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्र पर कंडक्ट कराया गया था, जिसमें लाखों स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। इसमें 42,000 के करीब आपको रिजल्ट देना है, क्योंकि इतना पद के आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है फिजिकल के लिए, तो 42,000 के करीब पद आपको रिजल्ट देना है, तो इसके रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं लाखों स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 12 अप्रैल 2021 को देखिएगा तो जो पिछला भर्ती था 2019 वाला, उसे फाइनल कर दिया गया है और उसका मेरिट लिस्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,880 पदों के लिए ये एग्ज़ाम जो हुआ था, ये 2019 में 11,880 पद आया था, जिसके एग्ज़ाम 12 जनवरी 2020 को और 8 मार्च 2020 को कंडक्ट कराया गया था। 10,60,000 के करीब यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे स्टूडेंट, जिसमें से देखिएगा 59,402 फिजिकल के लिए रिजल्ट तैयार किया गया था, और फिजिकल में 48,227 ऐसे कैंडिडेट थे जो पार्टिसिपेट किए थे, और फिजिकल में पास कैंडिडेट की संख्या देखा जाए तो 23,533 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पास किए गए हैं, और मेरिट लिस्ट कितना तैयार किया गया है, तो यह 23,533 में से 11,838 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, कुछ गोरखा के सीट बच गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आपको 12 अप्रैल को ये फाइनल हो चुका है पिछला भर्ती, ठीक। 11,880 पदों का फाइनल यानी मेरिट लिस्ट घोषित करने के बाद अब वन रक्षक और वनपाल के स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि इनका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। तो इनका भी रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट इसी सप्ताह में, मीन्स कि आपको इसी महीने के और इसी सप्ताह में आने वाले 7 दिन के अंदर आपका घोषित कर दिया जाएगा। 19 तारीख को इसका आपको डेट प्रस्तावित है कि 19 तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा, अगर कुछ देरी, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो, ठीक। तो ये वनरक्षक और वनपाल दोनों का एक साथ रिजल्ट घोषित किया जाएगा, और इसका जो फिजिकल होता है ये पटना के चिड़ियाघर में होता है। अब देखिएगा 15 अप्रैल 2021 को दो रिजल्ट घोषित किया गया है रिटर्न का, चालक सिपाही का और गृह रक्षा सिपाही का। चालक सिपाही का 1722 पोस्ट था, ये 2019 का ही भर्ती था, और यहाँ पर गृह रक्षा सिपाही का 2020 का भर्ती था, 551 पोस्ट था, और दोनों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, और अब इंतजार है आपको 8415 वाला जो इसका रिजल्ट का। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये आप देखिएगा चालक सिपाही का सबसे पहले फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा गर्दनी बाग में स्टार्ट होता है, तो उसके बाद गृह रक्षा सिपाही का, और उसके बाद आप देखिएगा कि जो 8415 पोस्ट के लिए एग्जाम हुए थे इसमें लगभग 42,000 स्टूडेंट को पास किए जाएंगे फिजिकल के लिए, इसका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। और ये फिजिकल का भी डेट मैं आपको बता देता हूँ कि कब से प्रस्तावित है कि कब से फिजिकल आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इसके पहले मैं आपको रिजल्ट के लिए बताता हूँ। यहाँ पर देखिए रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल सबसे लोग लगातार पूछ रहे कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए अगर हम रिजल्ट की बात करें तो बिहार पुलिस ड्राइवर और बिहार होमगार्ड के रिजल्ट देने के बाद 6 जून 2021 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 6 जून 2021 को फायरमैन का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही कभी भी रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि अभी फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का रिजल्ट CSBC जारी करने वाला है, तो इसका भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, वो इसी महीने में जारी कर दिया जाएगा। फिर आपको CSBC के पास दो काम महत्वपूर्ण रहेगा, आप दो उस महत्वपूर्ण काम में से एक आपको ये है कि फायरमैन का एग्जाम कंडक्ट कराना, लेकिन अभी जैसा परिस्थिति बन रखा है आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं लॉकडाउन लागू हो रहा है, तो अनुमानता यही है कि एक महीना में अगर स्थिति सही हो जा रहा है तो फायरमैन का एग्जाम 6 जून को अच्छे से कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी लाखों स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक। अब उसके बाद जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा आपका 8415 पदों के लिए। तो कब तक घोषित किया जाएगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं 3 से 3.5 महीने पिछली बार भी लगे थे, और हर रिजल्ट में आप देखिएगा 3 से 3.5 महीने लगभग लग जाते हैं, ठीक। और इस बार अगर लॉकडाउन लागू होता है तो आपको पता है कि अलग अलग जो आपको आयोग के नोटिस जारी किया गया आयोग के पास और सरकार द्वारा, कि अगर आपके लगता है कि आपके जो कर्मचारी है उनको 50% मतलब कि आप छुट्टी दे सकते हैं, 50% को एक दिन बुलाइए फिर अगले बार 50% को बुलाइए, तो वैसे भी काम कर सकते हैं, इससे काम प्रभावित होता है, लेकिन रिजल्ट पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रिजल्ट आपको टाइमली दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काम प्रभावित होता है लेकिन रिजल्ट पर, जैसे मेरिट लिस्ट तैयार करना ये सब प्रभावित हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका जो तैयार होने वाला है ये जून लास्ट या आपको जुलाई फर्स्ट वीक, जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट दिया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले आपको 6 जून को एग्जाम भी आपको फायरमैन का, तो अच्छे से एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा CSBC द्वारा। इसी डेट में आप देखिएगा कि जुलाई के आपको फर्स्ट वीक या जून के लास्ट वीक,
जून के लास्ट वीक और आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको प्रस्तावित है ये आपको देने के लिए रिजल्ट। और फिर इसका फिजिकल का भी डेट आपको अगस्त में, लास्ट अगस्त से शुरुआत है इसका फिजिकल। और उससे पहले आपको किसका फिजिकल होगा तो फिर से मैं बता देता हूँ, बिहार पुलिस ड्राइवर का होगा और फिर बिहार होमगार्ड का होगा। तो अगस्त से ही इस दोनों का प्रस्तावित है ये फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी का फिजिकल पटना के गर्दनी बाग में होता है। लेकिन फिर मैं आपको जाते जाते एक बात और बता देता हूँ कि स्थिति अगर सही रहता है तो, लेकिन अभी देखिएगा स्थिति काफ़ी कोरोना वायरस के चलते काफ़ी आप देख रहे हैं डमाडोल हो रहा है, बिहार की स्थिति और भी खतरनाक हो गया है। ठीक, तो जल्दी अगर स्थिति काबू में आ जाता है, सरकार अगर नियंत्रण कर लेती है तो सभी समय से ही आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा और फिजिकल भी हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पर। देखिए कट ऑफ पर बात करने से पहले मैं दो तीन चीज़ आपको यहाँ पर याद दिला देता हूँ कि इसका पेपर का आंसर जो है ना वो काफ़ी वायरल हुआ था। ठीक, और पेपर का आंसर ऐसा नहीं है कि एक घंटा पहले किसी को क्वेश्चन मिला तो आंसर लिख सकता था, वो हमको लगता है 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लिख पाता अगर एक घंटा पहले भी किसी को पेपर मिलता तो। यानी कि ये पेपर आपको एक दिन पहले ही किसी न किसी के पास आंसर की पहुंच गया था और वही इधर से उधर वायरल हुआ है। काफ़ी लड़के इसके चलते आपको प्रभावित हुए हैं, काफ़ी लड़कों के पास आंसर की पहुंचा है और बहुत लोगों के पास आंसर की नहीं पहुंचा है। और क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो बहुत ही हाई लेवल था। अगर पेपर आंसर वायरल नहीं होता इधर उधर तो एक बात समझ लीजिए, अगर आंसर वायरल नहीं होता तो यहाँ पर 50 कटअप जाना मुश्किल हो जाता, किसी भी कैटेगरी में 50 कटअप जाना, उससे नीचे ही आपको कटअप रहता है। इस बार यह है कि स्कॉलर के तौर पर कैंडिडेट नहीं बैठे हैं, बहुत कम, मतलब कि ना के बराबर है, और वो भी आपको जो स्कॉलर के तौर पर बैठते हैं वो फिजिकल में पकड़ा ही जाते हैं, तो इसलिए स्कॉलर के तौर पर कोई नहीं बैठा है। लेकिन यहाँ पर मोबाइल बड़े मात्रा में लोग अंदर लेकर गए थे, कहीं कहीं सेंटर से यही आपको खबर निकल कर आ रहा था। तो पेपर का लेवल हार्ड है, यहाँ पर देखिएगा पिछली बार से स्टूडेंट भी उसी एवरेज में आपको पार्टिसिपेट किए हैं। सीटों की संख्या कम है लेकिन पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए तो आपको लड़कों भी पिछले बार से कम है कुछ ही और सीट भी कम है, तो 42,000 आपको रिजल्ट देना है, मीन्स के अच्छा खासा आपको रिजल्ट देना है। और इसमें एक बात मैं बता दूं कि फिजिकल का कट ऑफ कम जाएगा। इस बार के फिजिकल का कट ऑफ कम जाने का मुख्य कारण यह है कि बहुत से स्टूडेंट का इस बार रिटेन में भी रिजल्ट आने वाला है। रिटेन में जो कि अभी ज्वाइनिंग 11,880 पदों के लिए जो अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों का रिजल्ट आपको आने वाला है, क्योंकि मैं बात करते रहता तो उन लोगों को बताते रहते कि मैंने इतना क्वेश्चन सही किया, इतना क्वेश्चन सही किया, हम लोगों का रिजल्ट आएगा। लेकिन जब वो पुलिस में चल जाएंगे तो फिर दोबारा एग्जाम दे, लेकिन नहीं आएंगे तो, लेकिन उनका फिजिकल के लिए दिया जाएगा लेकिन फिजिकल में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वैसे भी फिजिकल का कटअप थोड़ा नीचे ही चला जाएगा इस बार, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ और जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट का कितना सेफ स्कोर है, यहाँ पर स्लाइड पर आप देख रहे हैं, और फीमेल स्कोर मैं भी बता चुका हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ। ये मेल का मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ये मैक्सिमम स्कोर है मेरे द्वारा बताया हुआ, ये सबसे मैक्सिमम स्कोर है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसके बीच में अगर आप आते होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कोई नहीं मतलब रोक सकता, आपका आराम से रिजल्ट बन सकता है यहाँ पर हर कैटेगरी में, मैं आपको बता दिया। अगर फीमेल में देख सकते हैं तो फीमेल में देखिए जनरल में अगर 58 से 60 अगर कोई लड़की की है, या EWS में 33 से 55, BC में 55 से आपको 57, EBC में आपको 52 से 54, SC कैटेगरी में 42 से 44 और ST कैटेगरी में 40 से 42, यहाँ तक कि लड़की की इससे कम ही कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि इस बार लड़कियों की संख्या भी पिछले बार से कम ही है। ठीक, तो इस बार कम कट ऑफ जा सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बात करूँ कि मेल कैंडिडेट में जनरल में 78 से 80 जा सकता है, EWS में 70 से 72, आपको BC में 72 से 74 और EBC में आपको 69 से 71, SC में आपको 60 से 62 और ST में आपको देख सकते हैं 73 से 75, क्योंकि ST की सीटों की संख्या कम होती है। इसमें से अगर आप चाह रहे हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और फिजिकल की तैयारी हमको करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं इस बार फिजिकल में बहुत कम समय मिलने वाला है आपको। तो इसमें अगर मान लीजिए कि 2-4 नंबर आपका कम भी है तो समझिए कि आप सेफ स्कोर में है, 2-4 नंबर आपका कम भी है तो, क्योंकि काफ़ी लड़कों से मैंने बात किया और उसके बाद ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि उस समय से ही जब से ये एग्जाम हुआ है उस समय से ही काफ़ी लड़कों मेरे टच में है और मैं बात करते रहता हूँ। ठीक, तो ये आपको देखिए ये सेफ स्कोर है, इस स्कोर में आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नई भर्ती का, क्योंकि नई भर्ती के काफ़ी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं और बार बार पूछते रहते हैं कि सर नई भर्ती कब आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि कभी भी नई भर्ती आएगा तो वो नई सिलेबस पर आएगा, और सिलेबस भी बदलाव कर दिया गया है, 10th लेवल पर कर दिया है। ठीक, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको 12th लेवल की तैयारी करना है, 10th लेवल पर तैयारी करना है। अब कितने पदों पर भर्ती आ सकती है तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार में जो ट्रेनिंग का कैपेसिटी है, मीन्स की अगर संख्या देखा जाए ट्रेनिंग देने का बिहार में, तो बहुत ही कम है। अब यहाँ पर डायरेक्ट 20,000 भर्ती नहीं आ सकता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट 20,000 नहीं आ सकता है, तो कभी भी देखिएगा तो 10,000 के करीब ही भर्ती आते हैं। ठीक, पिछली बार भी, उससे भी पिछली बार देखिएगा तो लगभग 10,000 के करीब भर्ती आते हैं और इतना ही कैपेसिटी है। ठीक, लेकिन सरकार बीच में बोले थे, मतलब कैबिनेट में भी जवाब दिया गया था कि ये कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है ट्रेनिंग देने का, और आप सोच रहे हैं कि बहुत से पद मतलब भर गए हैं, पद नहीं खाली होंगे, तो ये आपका सोचना एकदम गलत है। अभी तो कमेटी भी बनाया गया है, सरकार द्वारा कमेटी भी बनाया गया है, और कमेटी सुझाव देगा, बहुत जल्द सुझाव देगा कि कितना सेट आपको सीट जो है ये फोर्स आपको विभाग जो फोर्स में इसके पुलिस विभाग में आपको खाली है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार का अगर देखा जाए पुलिस बल की संख्या तो रेशियो देखा जाए तो बहुत ही नीचे है, मतलब कि हर राज्यों से नीचे बिहार का रेशियो है।
हाँ, मेल फीमेल का रेशियो ठीक है, लेकिन संख्या बल में देखा जाए तो बहुत ही नीचे है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही 2021 का जनगणना आता है और उसको उसको उस रेशियो में देखा जाएगा तो और भी आपको यहाँ पर संख्या पुलिस बल की कम होगा। तो सरकार यही सोच रहा है कि जितना जल्दी हो जाए हम पुलिस बल में बहाली करें, लेकिन आपको समझ सकते हैं कि यहाँ की प्रक्रिया काफ़ी लेट है। CSBC भी भर्ती करा रहा है तो काफ़ी लेट हो जा रहा है, कभी पेपर आउट होना आपको, इस पर भी लगाम नहीं कसा जा रहा है। हाँ, अभी सिलेबस बदल दिया गया है, ये बहुत अच्छा किया गया है। बहुत दिनों से हम लोग डिमांड उठा रहे थे कि 10th पर सिलेबस कीजिए, अब तो 10th पर सिलेबस हो भी गया है। ठीक, तो अभी कब आएगा भर्ती, तो अक्टूबर नवंबर इंतजार आप कीजिए, अक्टूबर नवंबर 2021 में ही आपको नई भर्ती आने का अनुमान है जहां तक हम पता किए हैं। और ये आपको समझिए 10,000 के करीब भर्ती आपको आने वाला है। ठीक, मैं यहां पर बता देता हूं, क्योंकि मार्च में भी देखिएगा कि मंत्री साहब ने आपको कैबिनेट में ये बताया था कि बड़े पैमाने पर आपको फोर्स बल में भर्ती करने वाले हैं और लगभग कॉन्स्टेबल का 9,000 और 10,000 के करीब आपको भर्ती आने वाला है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अभी भर्ती जो चल रहा है, मीन्स कि आपको फायरमैन का आप देखिएगा 2380 पदों के लिए 6 जून का एग्जाम होने वाला है, इसमें भी 10th का सिलेबस कर दिया गया है। और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा 6 जून के जो भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसके लिए, वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपया में, आप 30 फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और सभी ये 10th लेवल पर है। ठीक, आगे की भर्ती भी जो आएगा वो 10th लेवल पर ही आएगा, तो यहाँ से लगाकर आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सेट कर रखा है, वहाँ पर रैंक स्कोर सभी चीज़ आपको दिखाई देंगे। एक बार ध्यान में रखिएगा, हज़ारों स्टूडेंट के बीच में जब टेस्ट लगाइएगा तभी आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ने वाला है। ठीक, तो मैं बता देता हूँ कैसे ये आप टेस्ट लगा सकते हैं। बिहार फायरमैन भर्ती 2021 के लिए आप 30 फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मात्र 99 रुपया में। आपको पता है कि अब सिलेबस 10th लेवल पर कर दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन आपको 10th लेवल पर मिलने वाले हैं। ठीक, और आपको सिलेबस भी पता है कि 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे आपको समय दिया जाता है, नेगेटिव नहीं रहता है। तो यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन डेली, आपको टेस्ट मिलेगा 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपया, ये कोई ज़्यादा नहीं है। आप अगर बुक भी खरीदने जाएंगे तो इससे ज़्यादा लगेगा। इसमें आपको सहूलियत भी मिलने वाला है बहुत से, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको मिलने वाला है जैसे कि आपके पेपर में मिलता है। स्कोर के साथ लड़कों के साथ आप रैंक भी देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक, सभी प्रश्न का विश्लेषण भी होगा, एक एक प्रश्न का पॉइंट वाइज विश्लेषण दिया रहता है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसी समय आप पूछ सकते हैं, अगर ये लगे कि क्वेश्चन में ये गलत है या डाउट है तो, और उसी समय उसका सोल्यूशन कर दिया जाता है। ठीक, ये सब भी आपको ये सुविधा मिलने वाला है मात्र आपको 99 रुपया में। ठीक, आप ही लोगों द्वारा पूछा गया था और आप लोगों द्वारा ही सजेशन मिला कि सर 99 रुपया रखिए 30 फुल मॉक टेस्ट के लिए आपके एग्जाम होने से पहले। एग्जाम कब है याद रख लीजिए फिर से, 6 जून 2021 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बिहार फायरमैन का। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको, एग्जाम स्टूडे जो है, एग्जाम स्टूडे ऐप्स है यहाँ पर प्ले स्टोर से देखिएगा, ये अब यहाँ पर लोगों देख सकते हैं, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करने वाला है, यहाँ पर बिहार एग्जाम, ये देखिए बिहार एग्जाम वाला जो सेक्शन है इसमें आना है। ठीक, ये बिहार एग्जाम वाला सेक्शन में आइएगा। अगर फ्री में क्यूज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बिहार एग्जाम वाला इस सेक्शन में आप क्यूज लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें आइएगा तो पेड कोर्स ज्वाइन कीजिएगा बिहार एग्जाम्स वाले सेक्शन में। अगर कोई दिक्कत होता है तो नीचे ये नंबर भी दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं अगर टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर दे देता हूं आपको। ठीक, ऊपर से एकदम नीचे आपको आ जाना है, यहां पर बिहार पुलिस फायर मैन 2021 टेस्ट सीरीज। ठीक, यहीं से आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, 30 फुल टेस्ट सीरीज आपको मात्र आपको 99 रुपया में मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर आकर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसे ये पेड कोर्स देखिए लिखा हुआ है, पेड में आपको 30 टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, एग्जाम से पहले ही आपको करा दिया जाएगा और यहाँ से देख लीजिएगा, इसे रिवीजन भी करते रहिएगा। काफ़ी लड़के ज्वाइन कर लिए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब 6 जून 2021 को जो एग्ज़ाम आपके होने वाला है बहुत कम समय बचे हुए हैं। ठीक, एक कम समय में आपको रिवीजन भी करना होगा और आप एग्ज़ाम दिए होंगे इससे पहले, तो आप देख रहे होंगे कितना प्रेशर हो जाता है, एग्ज़ाम हॉल में कि क्वेश्चन छूट भी जाता है, तो ये सब प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वैसे लड़के भी मिलेंगे तो आपका स्कोर और आपका रैंक एक दूसरे से जब आपको कंपटीशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी बिहार में कितना एक एक सीट पर फाइट चल रहा है। ठीक, तो इसका लेवल भी 10th लेवल पर है, सिलेबस पर सभी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।